हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बेस्ट। आज मैं बना रही हूँ मटकी की सब्जी। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच लंच रेसिपी है। पहले इसको बनाने के लिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ ड्राई कोकोनट, और साथ में इसका पेस्ट बनाने के लिए हम डालते हैं रोस्ट किया हुआ ड्राई कोकोनट, जिंजर, गार्लिक, हरा धनिया और थोड़ी ग्रीन चिलीज। अच्छे से फाइन पेस्ट बना के रेडी रखेंगे। देखिए ये पेस्ट तैयार है। अब पैन में ले रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून राई जीरा डाल रही हूँ। अब डालते हैं 3 फाइनली चॉप्ड ऑनियंस। अब ये ऑनियंस को हम हाई फ्लेम पे स्लाइटली ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये तैयार है। अब इसमें डालते हैं प्रिपेयर किया हुआ मसाला पेस्ट। अब इस पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं। ये मसाला पेस्ट तैयार है। अब इसमें डालते हैं 3 फाइनली चॉप्ड टोमेटोस। अब ये टोमेटो सॉफ्ट होने तक हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डाल रहे हूँ सूखे मसाले, सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ये पाउडर मसाले को अच्छे से भून लेते हैं हम। अब ये मसाला ड्राई हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब चलाते हुए मसाले को टमाटर सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। देखिए हमारा मसाला बेस तैयार है। अब इसमें डाल रही हूँ 8 से 12 घंटा सोक किया हुआ मटकी। मटकी के साथ में ये पोटैटो का टेस्ट अच्छा रहता है, इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ, ये ऑप्शनल है। अच्छे से मसाले से मिक्स करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ लगभग 2 ग्लास पानी। एक बार मिक्स करके ढककर हम इसको पकने छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद अच्छे से बॉईल आया है और मटकी भी आधा तक पक चुका है। अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और अच्छे से मिला लेते हैं। मैं इसमें 1 और ग्लास पानी मिला रही हूँ। फिर से मिक्स करेंगे और ढककर मटकी पकने तक मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं। देखिए 15 मिनट बाद मटकी अच्छे से पक चुका है। इसको फिनिश कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर से। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। रोटी, राइस, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच लंच रेसिपी है।